गई है कि जो ग्रुप सी और डी, ये दो ऐसे वर्ग हैं जो अभी तक अपने अपने विभाग के हिसाब से इनकी अलग अलग भर्तियां होती थी, लेकिन अब इन दोनों का कॉमन कैडर, डी का तो पहले बना दिया था, सी का भी अब कॉमन कैडर बना दिया है पिछली इस मीटिंग के अंदर। तो अब इन सब का एक बार साल में एक बार रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन के हिसाब से उनका एक प्रारंभिक परीक्षा होगी। उस प्रारंभिक परीक्षा में जिसको स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कहेंगे, वो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हमारे अपने जो विभाग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HPSC या सेंट्रल क्या हो CET सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वहाँ से भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ऐसे तीनों में से कोई भी एक टेस्ट हम कराएंगे। एक मेरिट बनने के बाद विभाग के अनुसार जितनी पोस्टें उस विभाग की खाली होंगी उससे 3 गुना लोग मेरिट के हिसाब से ऊपर से लेकर के उन्हीं का एग्जाम लिया जाएगा उस विभाग के हिसाब से। उसमें से 1 टाइम सेलेक्ट करेंगे, 2 टाइम्स बाकी विभागों में भी और परीक्षाएं अपनी दे सकेंगे, ताकि बड़ी परीक्षा साल में एक बार ही हो, बाद में वर्ष भर जो हर बार हर पोस्ट के लिए लाखों लोग आते हैं, इसकी बजाय लिमिटेड लोग आएंगे और वो अपना एग्जाम दे करके मेरिट के हिसाब से वो चुने जाएंगे। अगले वर्ष के हिसाब से फिर वो टेस्ट होगा। आवश्यकता पड़ी तो वर्ष में ऐसे 2 बार भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये कराए जा सकेंगे, तो इसका भी निर्णय हमें करना है। एक बार तो पहले कराएंगे, दूसरी बार आवश्यकता होगी तो फिर देखेंगे, लेकिन इसकी रजिस्ट्रेशन भी अब इस जनवरी माह में हम कभी भी शुरू कर देंगे, क्योंकि ये परीक्षाएं इनकी जो सामान्य परीक्षा होती है प्लस टू की ग्रेजुएशन की, उसके तुरंत बाद वो परीक्षा होगी। अभी तो 2-3 महीने रजिस्ट्रेशन का ही काम और बाकी सारी चीज़ें वो चलेंगी।